नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK जॉब वॉलेट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों उड़ीसा PSC रिक्रूटमेंट 2020 लेक्चरर की पोस्ट रहेगी, टोटल 39। ठीक है जी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। और जो मेरे बहन भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है जी, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है 1/2020/2021। ठीक है जी, ये रिक्रूटमेंट आई है, रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ऑफ द स्टेट क्लास 2, यानी ग्रुप बी के लिए आपकी ये एडवर्टाइजमेंट आई है ऑफ उड़ीसा आयुर्वेदिक मेडिकल एजुकेशन सर्विस अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से। ठीक है जी, और अब बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो, जिससे कि आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। ये देखा है opsc.gov.in। ठीक है जी, अब इसमें जानकारी देख लेते हैं शुरू से लास्ट तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है। ठीक है जी, आप इस साइट पर जाके ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करेंगे और फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट रहेगी आपकी 5 जून से 7 जुलाई 2020, इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है जी, ये आप देख सकते हो इसमें पूरी डिटेल से दिया हुआ है और टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 39। ठीक है जी, और ये आपकी रहेगी, आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 44,900 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है जी, आप देख सकते हो लेवल रहेगा आपका 10। अब बात करते हैं इसमें वैकेंसी कितनी कितनी दी गई हैं। ठीक है जी, कैटेगरी वाइज और कौन से डिसिप्लिन में, ये आप डिटेल से देख सकते हैं। सीरियल नंबर दे रखा है, नेम है ऑफ द डिसिप्लिन, टोटल वैकेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट। ठीक है जी, कैटेगरी वाइज UR के लिए, SC के लिए, ST के लिए और SC BC के लिए। ठीक है जी, अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आपको इन एडवर्टाइजमेंट और विद कैटेगरी आपको पूरी डिटेल मिल सके। फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट देख सकते हो आप नेम ऑफ डिसिप्लिन, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा संहिता, संहिता है सिद्धांता। ठीक है जी, इसमें आपके टोटल पोस्ट रहेगी 4। UR के लिए आपकी रहेगी 2 पोस्ट हैं और एक SC के लिए और 1 रहेगी आपकी ST कैंडिडेट्स के लिए। सेकंड देख सकते हो संस्कृत के लिए 3 पोस्ट हैं, 2 UR के लिए, 1 ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, थर्ड रहेगी आपकी रचना शरीरा। ठीक है जी, 3 पोस्ट रहेगी, 2 UR के लिए और 1 ST कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट आपकी करिया सरिया। ठीक है जी, 1 पोस्ट आएगी आपकी, जो कि है आपका ST कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देख सकते हो इस तरह से आप सिलेबस वाइज देख सकते हो कितनी कितनी पोस्ट है। ठीक है, जिसमें टोटल आपके देख सकते हो यहाँ पे 39 पोस्ट आएगी, जिसमें आपकी ये आप देख सकते हो 39 पोस्ट है टोटल, और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपके कैटेगरी वाइज आपको इसमें पूरी डिटेल मिल सके। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कौन से डिसिप्लिन में आपकी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट दी हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसमें ये कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट दे रखी है और यहाँ पे फंक्शनल दे रखा है। ठीक है जी, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इसमें एज के लिए, एज लिमिट क्या मांगे गए। ठीक है जी, एज लिमिट देख सकते हो, मिनिमम आपके रहेगी 21। ठीक है जी, और अब हो रहेगी 40 ईयर्स। आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2020 से आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है जी, और आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है जी, ये आप देख सकते हो, और वो मैन है, बैकवर्ड क्लास है, एक्सेस मैन है, उनके लिए 10 ईयर्स की छूट दी गई है। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें इनिशियल मांगा गया है ए ग्रेजुएट डिग्री इन आयुर्वेदा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एस्टेब्लिश ऑफ वेला एंड सेनेचुरी बोर्ड। ठीक है जी, और फैकल्टी एग्जामिनेशन बोर्ड इन इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेड इन इंडियन काउंसिल
सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, ठीक है, यानी कि आपके पास एक आयुर्वेद की डिग्री होनी जरूरी है, ठीक है, रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और सेकंड, आपके पास एक पीजी क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट होना चाहिए, ये इसमें आप दे सकते हैं। और आपको इसमें संस्कृत की नॉलेज कंपलसरी रहेगी, इसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है जी। और ये देख सकते हो आप, नेक्स्ट देखा है मेन ऑफ चार्ट, मेन जॉब चार्ट है टू इम्पार्ट टीचिंग इन द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिक कॉलेज हॉस्पिटल एंड वर्क इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं इसमें एग्जामिनेशन फीस के लिए, ठीक है जी। आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी 500 रुपीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो 500 रुपये रहेगी। और जो एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ कोई छूट नहीं है, ठीक है जी, उनके में छूट है, उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। सिर्फ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की आपके 500 रुपये फीस इसमें ली जाएगी। और आप पूरी डिटेल दे सकते हो। और जो आपकी फ़ीस होगी ना दोस्तों, जो आपकी फ़ीस होगी वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करोगे जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब बात करें मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, ये देखते हो सिलेक्शन कैंडिडेट का कैरियर मेकिंग है, रिटर्न टेस्ट रहेगा आपका, जिसमें आप दे सकते हो इसमें टेस्ट के बारे में पूरी इसमें डिटेल दी हुई है, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट कटक, ठीक है जी, आपके कटक में आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पे आपके विभिन्न विभिन्न सिटीज़ में आपका या जगह पे आपका प्लेसेस पे एग्ज़ाम रहेगा। और ये आप देख सकते हो कुछ अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखे हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसे ये देख सकते हो उड़िया उड़िया भाषा पढ़नी लिखनी और बोलनी आनी जरूरी है, ठीक है जी। और आपकी जो मिडिल क्लास है वो उड़िया भाषा से पास होनी ज़रूरी रहेगी। और आप इसमें पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपको इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। जो आप फॉर्म फिल करोगे तो आप ये देखो, दे मस्ट नॉट अटैच द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेशंस, यानी कि आपको क्या है कि पीडीएफ फॉर्म में इन एप्लीकेशन को अटैच करना है। वो आपको फॉर्म भरोगे, आपका 10वीं का, 12वीं का, बीएमएस का और पीजी डिग्री डिप्लोमा के सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाने हैं, इसमें ये पूरी डिटेल से दे रखा है। ठीक है जी, आप ये देख सकते हो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, से अप्लाई कैसे करोगे आप, कैंडिडेट्स क्या होगा, कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए उनकी ऑफिशियल साइट ये दे रखी है http://opsc.gov.in, इस पर आपको विजिट करके आपको फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। और आपके थंब इंप्रेशन दे रखे, लेफ्ट राइट के फोटो का साइज दे रखा है, और ये आपको देख सकते हो पूरी डिटेल्स में दी हुई है कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है जी। इसमें कुछ मेंशन भी किया, अगर आपको इस जॉब के रिगार्डिंग कोई क्यूरी या कुछ पूछना है तो आप इनको ये देख सकते हो, टेलीफोन नंबर दिया और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और लास्ट में दे रखा आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन का, फिर से दे रखा आपकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 5 जून है और लास्ट तारीख रहेगी आपकी 30 जून 2020, ठीक है जी। और ऑनलाइन अप्लीकेशन सब अवेलेबल इन दी वेबसाइट इतने से तारीख तक ये रहेगी, आप इसको पूरी डिटेल से दे सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था कटक 2 जून 2020 का, ठीक है जी। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे सेक्रेटरी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन कटक की तरफ से, ठीक है जी। और नीचे देख लेते हैं लास्ट में क्या दिया हुआ है, ये पैक्स दे रखा है, ये आपका एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है जी। रिटर्न एग्जाम के रिगार्डिंग आपका सिलेबस दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द रिटर्न एग्जामिनेशन सेल भी टू पार्ट, टू दो पेपर होंगे आपके, जो 150-150 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है जी। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, पेपर वन में आप दे सकते हो, ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, ठीक है जी। ये आपका पेपर वन के लिए सिलेबस दिया है, टोटल दे सकते हो 150 नंबर के रहेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप दे लेते हो पेपर टू के रिगार्डिंग, ठीक है जी। ये पेपर टू के लिए दिया है, इसमें भी आपको 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है जी।
तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।